मुंबई में ऑडिशन करने के लिए बड़ी बात है, ये तो बड़ा प्लेस, इंडिया में सभी बिगेस्ट मार्केट है मुंबई, सो मुंबई मेरे को बहुत अच्छा मिस्टर एंड मिस आइकन इंडिया ऑडिशन करने के लिए। क्यों ऑडिशन बनाना है इधर? सी मेरा एक ही ड्रीम है, स्वच्छ भारत। क्यों स्वच्छ भारत करना? फिर बाद में हमारा टैलेंट, कभी भी किसी को मॉडल का टैलेंट दे देखना, फिर बाद में एक प्लेटफॉर्म देना। मिस्टर एंड मिस आइकॉन इंडिया पैन इंडिया में ऑडिशन चल रहा है, सेकेंड एडिशन में बैंगलोर हो गया, फिर बाद में मुंबई, फिर बाद में लुधियाना, फिर और एक कलकत्ता और एक दिल्ली। सो सारी जगह में ऑडिशन चल रहा है। इधर कौन मिस आइकॉन इंडिया, कौन मिस्टर आइकॉन इंडिया? सो वी आर ऑल सर्चिंग फॉर यूर दिस नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। सो वी आर फ्रॉम रियो प्रोडक्शन, आई एम ए शंकर, आई एम ए सीईओ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। We are coming to this place, very happy to see all the models here. इधर मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में बड़ा अच्छा मॉडल है, फिर बाद में एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं इधर आया था। डेफिनेटली आई विल मेक ए श्योर दैट दिस विल बी मिस आइकॉन इंडिया, मिस्टर आइकॉन इंडिया, सो दे विल बी गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम रियो प्रोडक्शंस। सो वी आर प्लानिंग टू डू मोर सोशल कॉज ऑल्सो and Swachh Bharat, and we have associate with Rotary also, that also part of international society where social cause also coming down under to the Rio Productions. So definitely we look after for this entire in India to audition round. Let's see, we are coming for 29th December, grand finale hai Bangalore mein. Dekhenge Miss Icon India, Mr. Icon India kaun aa raha hai. So thank you so much मीडिया सपोर्ट के लिए, मेरे को इतना मेरे को टाइम दे दिया इधर बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। सर आपको फोटो पोस्ट में योर कमिंग है, आपने सीजिंग में फिलहाल ये बट आप पोस्ट में मुंबई में तो किस तरह एक्सपीरियंस आप किस तरह से यहां पर कुछ सीखने या देखने को मिला? आई थिंक दैट यू वांट टू शेयर। या सी मुंबई में मेरे को अभी पहले बार आ रहा हूं इधर ऑडिशन करने के लिए। मुंबई में सभी जगह में अंधेरी है, बहुत जगह मुंबई में है करने के लिए ऑडिशन करने के लिए। अभी मुंबई हो गया तो फिर नेक्स्ट पुणे में कर रहा हूँ। सो मेरे को बहुत इंटरेस्ट, मुंबई बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इधर सभी, आज का पूरा जजेस आ गया, सो दे आर गोइंग टू सी फॉर द टैलेंट आल्सो फॉर द मॉडल्स। सो डेफिनेटली वी विल मेक एवरीथिंग फाइनलाइज एंड विल मेक ए कंप्लीट ड्रीम ऑफ द कंटेस्टेंट्स। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को नमस्ते, मीडिया लोगों को नमस्ते, मेरा सेल्फ रंजीत कुमार है। एक्चुअली मुंबई में आके बहुत खुश हुआ क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब फैशन फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है सबको भी। एक्चुअली पहली बार हम लोग यहाँ पे आए मुंबई पे ऑडिशन करने के लिए, बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड यहाँ पे क्या है ना, मतलब सबको भी एक सीखने के लिए, ये मॉडलिंग फील्ड में सबको भी एक टैलेंट होता है सीखने के लिए सभी भी, और हर फील्ड में भी जाने के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक वे है, बहुत अच्छा वे है। देखेंगे, पहले बार हम लोग मुंबई पे किए हैं, अभी फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। थैंक यू। नहीं हमारा तो प्लान तो पहले हम लोग यहाँ से एक अच्छा मॉडल्स को सेलेक्ट करेंगे, और हर जगह में भी मॉडल ऑडिशन चल रहा है हमारा। एक्चुअली बैंगलोर पे भी हो गया, अभी मुंबई पे हो रहा है, नेक्स्ट पुणे, कलकत्ता, हर जगह से हम लोग मॉडल्स को सेलेक्ट करके बाद में हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल पे जाने वाले हैं। एक तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस एंड एक व्हाट वी सॉ सम पीपल वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे वेरी वेल ग्रूम्ड एंड दे कम प्रिपेयर्ड फॉर द दिस पेजेंट एंड ऑफ कोर्स वी आस्क्ड देम सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड देयर वाज रियली वी गेव सम एम्फेसिस ऑन दैट आल्सो दैट व्हाट वर द आंसर्स लाइक बिकॉज़ आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट अबाउट द क्वेश्चन आंसर राउंड बट आल्सो द वे दे बिलीव इन देमसेल्फ दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑन देम एंड दैट्स द वे लाइक वी थिंक द पार्टिसिपेंट
were there, and they were really confident, and some of them were really talented, and they have shown some acting skills and dance skills and all. So we are very impressed. Very happy. Very happy to be here. Season 2 is going to be amazing this time. It's going to rock. Yeah. You were extra excited, sir. I think you're so excited. I'm like that only. Acha. Yeah. Yeah. किस तरह से मतलब contestant जो आए, आप उसे क्या सीख रहे हैं, आप भी सिखा रहे हैं? Because every contestant needs something like कुछ तो सिखाते हैं, आपको भी आप ही सीखते हो उसे. यार, I think वो तो life ही ऐसी है कि आप जिससे भी मिलते हो आप उसे सीख सकते हो और आपको सिखा सकते हो. But वो judge का role थोड़ा सा एक थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है कि आपको राइट पर्सन को चूज करना होता है. तो मैं थोड़ा अपने आपको चीयर अप करता हूँ ऐसे एक्साइटेड होके. बट या यू डू लर्न अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी. आई थॉट दे हैड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी, समथिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम देम. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, एनी हाइलाइट्स? आप किस तरह से देखती हैं, जैसे फीमेल मेल दोनों कंडीशंस ज्यादा आपको चूज करने में क्या ऐसा कुछ रहता है, कुछ पैरामीटर्स की लड़कों को ऐसा चेक करना है, लड़कियों को ऐसा कुछ है ना पैरामीटर्स? बेसिकली अगर हम देखने गए, पेजेंट्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए एक इंसान की, एंड नॉट ओनली द टैलेंट बट ऑल्सो कि वो इंसान कैसा है, हाउ इज टॉकिंग, द वे ही इज रिप्रेजेंटिंग हिम और हर. सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. और मुझे ऐसे लगता है कि अगर कभी भी हम कोई भी शो में जा रहे हैं, नॉट इवन पेजेंट्स, बट अगर हम कोई और भी शो में जा रहे हैं, वी शुड नो वॉट आर द क्राइटेरियाज एंड वॉट शुड बी डन, कि हम किस से रिलेटेड हमें काम करना चाहिए और कैसे होना चाहिए. आगे किस तरह का रोल रहेगा, जैसे सपोज आज सेलेक्ट करते हैं, किस तरह प्रोसीजर्स को बताएं, किस तरह से चलने वाला है? प्रोसीजर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, वो तो द ऑर्गेनाइजर्स विल डिसाइड, बट दे विल ट्रेन देम एंड दे विल गेट देम रेडी फॉर द मेन पेजेंट. सो वी जस्ट कम हियर टू सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द ऑल ऑफ देम. सो एंड आई लव वर्किंग विद such wonderful co-judges. We had a lot of fun. It was a great pleasure. Thank you to Mr. Shankar, sir, who called us for thank this. Thank you. And wish you all the best for the main and pageant. All and the best for this. Let's have really awesome winners for this. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक कंटेस्टेंट आए, आपने एक शायद कंटेस्टेंट को ये भी कहा कि हाइट डजंट मैटर एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली. अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मे बी उन्होंने सीखा होगा या आपने सीखा होगा. आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज जब मुझे भी लगता था कि आई थिंक हाइट एक रिक्वायरमेंट होती है, बट नाउ इतना ज़्यादा मॉडलिंग इंडस्ट्री हैज ग्रोन दैट आई पर्सनली फील कि बहुत कम पेजेंट्स हैं जो हाइट को रिक्वायरमेंट समझते हैं. आई थिंक इट्स मोर ऑफ यू नो कमिंग आउट, बींग योर सेल्फ रादर देन जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू अ हाइट, क्योंकि हाइट इज नॉट यू नो वी के नॉट grow or something like that. But I think that is what I meant when I told her that high tech restriction nahi hai, you should just you know come out, explore, kyunki the modeling industry has grown to a very great extent. Main aapko kuch aage jana chahenge aaj ke Miss India, I mean Icon India. I think India is really progressing when it comes to beauty pageants. Abhi bahut sare pageants ho rahe hain and the competition is really getting you know greater. So I think before coming for an audition, contestants should be well prepared. They should groom themselves. They should train themselves in terms of speaking, introduction. And I think everyone has done really well. So we're looking forward for the pageant. There are a lot of, youngsters, they want to be like in modeling, like ladies and gents and even. What are some tips that you want to give to them? I think those some are very nervous. I think being nervous, it's very, very normal. In the beginning, you tend to feel that you don't know if you're good enough. Kabhi hum kisi aur ko dekhte hain, we start feeling like, oh, maybe this person is better than us. No, the most important thing is you need to accept yourself. You are a unique being. There is nobody else like you. And be the best version of yourself wherever you are, wherever you go, no matter what you do. So I think the most important thing is self-acceptance and self-analyzation. Once you accept yourself and then look for the qualities that are best in you and the qualities that you think that you can improve on. So I think
as I said, self-acceptance and self-analysis is really, really important. I want to add up to that. I want to say that often when girls come out in a pageant, they often try to, you know, lose themselves in order to gain validation from the judges or the people around them. So I think the biggest thing is to, like, be yourself. Don't change yourself just in order to get validated. Yeah, being authentic is really important. I think it's really challenging being a judge, because there are so many factors involved. You don't just see the qualities, you also see, I mean, there are so many qualities in a person. Some that are good for me may not be good in her eyes. So there are different ways of judging, but obviously it's challenging because some people tend to get emotional about it. Some people cannot accept rejection. So it's a bit challenging, because I have been a contestant before. So I know how scary it can be when there are so many judges in front of you and you're trying to answer their questions. There are so many things going through in your mind. So being a contestant and being a judge, I've experienced both sides of it, and it's very challenging. And being a judge today, I don't think it was really fun with all the co-judges, but I also think that we did not put any restrictions to how we want the contestants to be. I think we were ready to explore and to understand how different people are going to be in their auditions. So I think Thank you so much.